स्टार्ट है रिकॉर्डिंग। क्या क्या है? मुझे ऐसा लगता है कि हम जो गाड़ी चला रहे हैं ना, आपको उसकी बारे में, उसकी उस गाड़ी के बारे में जितनी हो सके नॉलेज होनी चाहिए। मैं चला रही हूँ बुलेरो नियो N10 ऑप्शनल। ये जो हमारी गाड़ी है ये आती है 4 वेरिएंट्स में, N4, N8, N10 एंड N10 ऑप्शनल। अब हमारे पास बहुत सारे मैसेजेस आए हैं ये जानने के लिए कि N10 और N10 ऑप्शनल में बेसिक डिफरेंस क्या है। तो आज हम बहुत छोटा सा एक वीडियो बनाने वाले हैं जिसमें हम N10 और N10 ऑप्शनल में टेक्निकली कैसे डिफरेंस पता करें वो जानेंगे। और मुझे नहीं लगता इस बारे में किसी ने पहले कोई वीडियो बनाया है, ना तो कोई शोरूम, ना कहीं से हमें पता चलता है कि इसमें ये डिफरेंस कैसे पता चले। तो बहुत छोटा और क्रिस्प वीडियो है, प्लीज़ इसको एंड तक देखना। और अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। और आपको वीडियो कैसा लगा इसके बारे में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो शुरू करते हैं अपना वीडियो। आज हम बात कर रहे हैं बुलेरो नियो N10 और N10 ऑप्शनल में टेक्निकली डिफरेंस कैसे पता करें। वैसे ये डिफरेंस पता करने के लिए 4 तरीके हैं, ठीक है। पहला, जो आपको कंपनी ने बिल दिया था, और हम बिल कभी संभालते नहीं है, ये हम सबको पता ही है, कहाँ पड़ा होगा ढूंढना पड़ेगा। दूसरा ऑप्शन क्या है, हम अगर ये गाड़ी को ओपन करते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले तो एक है ये स्टिकर जिस पे लिखा है हमारा N10 ऑप्शनल, ठीक है, आपको दिख रहा होगा। और ये जो स्टिकर है ये तो टाइम के साथ वैसे ही फेड हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन है हमारा ये बैच, इस पर लिखा है N10 ऑप्शनल, बुलेरो नियो N10 ऑप्शनल, ठीक है, ये अभी नहीं दिख रहा है तो बाद में क्या दिखेगा। और जो चौथा तरीका है पता लगाने का, वो है हमारा टेक्निकली इस गाड़ी को का कैसे पता लगाएं कि ये ऑप्शनल है। उसके लिए हमें थोड़ा झुकना पड़ेगा, वैसे लाइफ में थोड़ा झुक जाना चाहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप ये देख पा रहे हो, ये जो नट बोल्ट है, ये जो बोल्ट है ये साइड में है, ये ऑप्शनल, सिर्फ एक ऑप्शनल ही ऑप्शनल कार है जिसमें ये साइड पे होता है, बाकी जो N10 है उसमें ये सेंटर में आता है। तो ये एक सबसे बड़ा डिफरेंस है जो कहीं नहीं जाएगा, जो हमेशा यही रहेगा। इसके अलावा अगर आपकी गाड़ी कहीं मुसीबत में फंस गई है तो जो MTT टेक्नोलॉजी इस गाड़ी में है, मल्टी टेरेन टेक्नोलॉजी जो है इस गाड़ी का, जो मेन फीचर है जो N10 ऑप्शनल में है, वो कब आपको निकाल लेगा मुसीबत से आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि कहीं अंदर कोई बटन नहीं दिया गया है, कहीं कोई लाइट नहीं आएगी, कहीं कोई साइन नहीं मिलेगा कि इस गाड़ी ने आपको जहाँ ऑफ रोडिंग में या जहाँ फंसे थे वहाँ से आपको निकाल लिया है। सिर्फ एक ये फीचर है जो इस पॉइंट से आप पता लगा सकते हो कि आपने पैसे जो है N10 ऑप्शनल के दिए थे। महिंद्रा ने जो ये बैच बनाया है ये भी N10 है, इसके आगे कहीं ऑप्शनल या कुछ और मेंशन नहीं किया है, तो इसको देख के आप नहीं मान सकते कि ये गाड़ी N10 ऑप्शनल है या N10 है, राइट। जबकि महिंद्रा इसमें एक ऑप्शनल का कोई एक लोगो दे सकता था जो कि नहीं दिया है, बट इट्स ओके, कोई बात नहीं, उन्होंने नहीं दिया। लेकिन ये फीचर, ये जो है, ये टेक्निकली है जो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आपने पैसे भरे हैं N10 ऑप्शनल के, ओके। सो आपको पता होना चाहिए कि N10 रेगुलर N10 गाड़ी नहीं है, ऑप्शनल गाड़ी है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, बहुत ही छोटा और क्रिस्प वीडियो है, लेकिन ये नॉलेज आपको कोई नहीं देता, इनफैक्ट हमें ये शोरूम वालों ने भी नॉलेज नहीं दी थी, राइट। सो अगर आप चाहते हैं कि आपको कैसे पता लगाया जाए N10 और N10 ऑप्शनल कार कौन सी है, तो ये वीडियो ज़रूर देखें। और इस गाड़ी से रिलेटेड कोई भी आपको जानकारी लेनी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, हम उसके ऊपर ज़रूर कमेंट करेंगे, और अगर आपको ज़रूरत लगेगी तो वीडियो भी ज़रूर बनाएंगे। और इसका एक डिटेल्ड वीडियो हमने ऑलरेडी बनाया था, तो उसको हम आई बटन में एंड कमेंट बॉक्स में दे देंगे, तो प्लीज़ उसको जाके आप चेक ज़रूर कर सकते हैं। I hope you all like this video, so please like, share and subscribe, and also don't forget to comment आपको ये video कैसा लगा। Bye everyone, take care, stay happy and stay safe, and keep traveling.